हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन शेयर। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर एमडीयू का, जो 2023 का है। इसका कोड है 91285। आइए देखते हैं उसको। ये देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का एक उधार का थैला है, टिप्पणी कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के विशेष लक्षणों का वर्णन कीजिए, जो भारतीय संविधान की बुक है उसमें से। यूनिट सेकंड में देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां व स्थिति की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन फोर्थ है, राज्यपाल केवल एक संवैधानिक मुखिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इन जितने भी यूनिट है इनमें दो क्वेश्चन दिए होंगे, इनमें से एक करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इस लोकसभा के स्पीकर की शक्तियां तथा स्थिति का वर्णन कीजिए। और इसमें एक क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की आलोचना समीक्षा करें। यूनिट फोर्थ में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन व अधिकार क्षेत्र का वर्णन कीजिए। एट क्वेश्चन है, न्यायिक सर्किट से अभिप्राय इसके पक्ष व विपक्ष में तर्क दें। इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन करना है। इसके बाद यूनिट फिफ्थ में है क्वेश्चन नाइन, इसमें टू मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि वन लाइन या टू लाइन में कंप्लीट करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस भारतीय संविधान सभा को कांग्रेसी संस्था क्यों कहा जाता है। और ये यहाँ पर कंप्लीट है इतने। सेकंड, इस भारतीय संविधान के विकासवादी स्रोत से आप क्या समझते हैं। थर्ड वन, इस प्रस्तावना से आपका क्या अभिप्राय है। फोर्थ वन, इस अलिखित संविधान किसे कहते हैं। फिफ्थ, इस किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। सिक्स, इस राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। नेक्स्ट वन, इस दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है। सेवंथ क्वेश्चन और लास्ट एट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। और इन क्वेश्चनों को आप करके जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे 2024 के एग्जाम के लिए और आने वाले एग्जाम के लिए। इस तरीके का पैटर्न आता है पेपर का, बिल्कुल इजी पैटर्न है। सीट आप अपने हिसाब से भरिए, 16 नंबर के में 6 सीट, 5 सीट, 4 सीट। और किसी कोड का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एजुकेशन शेयर।